गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम ले रहे हैं पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एज पर न्यू कंपनी एक्ट 2013। डायरेक्टर्स की पावर नई कंपनी है 2013 के हिसाब से। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कर सकते हैं कंपनी में? कंपनी क्या है? बीओडी रिप्रेजेंट कंपनी। तो व्हाट एवर द कंपनी कैन डू, जो भी कंपनी कर सकती है, कैन डू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन डू। डायरेक्टर्स क्या कर सकते हैं? जो कंपनी कर सकती है, कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी जो भी एक्ट के हिसाब से कर सकती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो मेमोर कंपनी का चार्टर होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो रेगुलेशंस हैं कंपनी एक्ट की, या जो जीएम ने रूल बनाए हैं जनरल मीटिंग में, ये सारे काम कौन कर सकती है? कंपनी कर सकती है। कंपनी क्या काम कर सकती है? जो एक्ट ने प्रिस्क्राइब किए हैं, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑथोराइज करता है, जो रेगुलेशन ऑथोराइज करती है, वो जनरल मीटिंग ऑथोराइज करती है। यही सारे काम बोर्ड कर सकता है। जो कंपनी कर सकती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर सकती है। ओके, अब जनरल मीटिंग्स, जनरल मीटिंग किसकी होती है? जनरल लोगों की, शेयर होल्डर्स की। ठीक है, तो ये जो बोर्ड की डायरेक्टर्स की जो पावर्स हैं, पावर्स क्या है कंपनी में? जैसे बताया, कंपनी में कोई भी काम होता है, जैसे आज हम काम करते हैं कोई भी, तो आज हम डिसीजन लेते हैं। परिवार का काम होता है तो फैमिली पूरी डिसीजन लेती है, तो वो डिसीजन की पावर कंपनी में, जो डिसीजन लिए जाते हैं वो मीटिंग में लिए जाते हैं। जो ठीक है, तो जनरल मीटिंग जो होती है वो सारे शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है। तो जनरल मीटिंग सर्वे सर्वा होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से ऊपर होती है। तो जनरल मीटिंग कोई काम पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि ये वाले जो काम है ये बोर्ड नहीं, जीएम करेगी, सब्जेक्ट टू द रूल्स रेगुलेशन एक्ट। लेकिन उससे पहले, प्रायर टू दिस रेस्ट्रिक्शन, यदि कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपनी पावर के हिसाब से, जो पावर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई थी, देन दे कैन डू, जो कर सकते थे वो यदि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने किया, तो डेट एक्ट विल बी वैलिड, इवन इफ जनरल बॉडी मीटिंग ने, जनरल मीटिंग ने रेस्ट्रिक्शन लगा दी है। ओके, तो प्रायर एक्ट विल बी ओके। अब आ जाइए नेक्स्ट। कुछ एक्ट ऐसे हैं जो एक्ट केवल
अब ये जो कंपनी के अंदर जो भी पावर एक्सरसाइज होती है, वो एक्सरसाइज होने का तरीका क्या है? कुछ बोर्ड खुद कर सकता है, कुछ पावर बोर्ड जो नीचे कमेटी है, कमेटी को डेलीगेट कर सकता है, और कुछ जनरल मीटिंग के अंदर होते हैं। जनरल मीटिंग किसकी होती है? ये शेयर होल्डर्स की होती है। ये बोर्ड क्या होता है? डायरेक्टर्स का होता है। तो इसके अंदर दो तरह के रेजोल्यूशन होते हैं, एक रेजोल्यूशन और एक यूनैनिमस रेजोल्यूशन। और यदि और क्लासिफिकेशन के तो रेजोल्यूशन बाई सर्कुलेशन, ये जो जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन होते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन एंड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। इन रेजोल्यूशन के थ्रू कंपनी डिसीजन लेती है। ये सब आपने पहले भी पढ़ा होगा। ओके, अब हम समझते हैं कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो पावर है, कौन कौन सी पावर, वो केवल मीटिंग के अंदर ही, बोर्ड मीटिंग के अंदर ही एक्सरसाइज कर सकता है। तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, इनको रेस्ट्रिक्शंस ऑन पावर भी कहते हैं। ठीक है, ये सेक्शन 179 ऑफ कंपनीज एक्ट कहता है कि कुछ पावर्स केवल एक्सरसाइज की जा सकती हैं इन द बोर्ड मीटिंग। पावर टू बी एक्सरसाइज्ड इन बोर्ड मीटिंग ये जो पावर है सिविल, जिसको हम कहते हैं, ठीक है, कॉल करने की पावर, इन्वेस्ट करने की पावर, बाईबैक करने की पावर, ओके, लोन की पावर, बोरो और इन्वेस्ट अप टू द शेयर कैपिटल, अप टू लिमिट, ये सारी पावर केवल बोर्ड मीटिंग के अंदर, कॉल करने की पावर, इन्वेस्ट अप टू लिमिट, बाईबैक, बोरो। उसके अलावा लास्ट लेक्चर्स में हमने कुछ और पावर भी बताई थी लास्ट लेक्चर में, जो एडिशनल इस एक्ट से मीटिंग में करने को कहा गया, पहले नहीं थी वो पावर। ओके, जो इस नए एक्ट में, जैसे अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिवीजन ऑफ बिजनेस, शिफ्टिंग और ओपनिंग ऑफ शिफ्टिंग फैक्ट्री, शिफ्टिंग रजिस्टर्ड ऑफिस, शिफ्टिंग ब्रांच, बाई बिजनेस, या टेक ओवर, या रीस्ट्रक्चर, ये सब पावर्स रिसेंटली क्या है, बोर्ड को इस नए एक्ट के अंदर, इस तरह की बहुत सारी और भी पावर हमने लास्ट लेक्चर में बताई थी, तो उसको हम रिपीट नहीं करते। ये वाले जो पावर्स हैं, दैट कैन बी एक्सरसाइज ओनली इन द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहे तो बीओडी में डेलीगेट टू कमेटी,
जो कमेटी अपनी जो है डायरेक्टर्स कमेटी बना सकते हैं, सारे डायरेक्टर्स ना देख के एक या दो डायरेक्टर्स उसको देखते हैं, तो डेलीगेट कर सकते हैं। और ये डेलीगेट कैसे कर सकते हैं? बाई पासिंग रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन इन बीओडी मीटिंग। तो कुल मिला के तो बीओडी मीटिंग में ही हो गया ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग में ये डिसीजन पास हो गया कि ये जो कमेटी है ये इसका काम करेगी। तो कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स को भी देख कर सकते हैं, या मैनेजिंग डायरेक्टर को, या WTD को यानी होल टाइम डायरेक्टर को, या मैनेजर को, किसी को भी ये डेलीगेट कर सकते हैं विद स्पेसिफिक कंडीशंस। लेकिन जो कुछ पावर हैं, बोरो, इन्वेस्ट और लोन एंड गारंटी, ये जो बिग पावर हैं, BIG जो बिग पावर हैं, एक तो हमने ये नमोनिक्स बताया था आपको, सिविल सिविल, ठीक है। अब हम आपको क्या बता रहे हैं कि बिग पावर, बोरो, इन्वेस्टमेंट एंड गारंटी। तो जो बोरो इन्वेस्टमेंट ये वाली जो पावर है, ये बोर्ड मीटिंग में एक्सरसाइज होंगी, है ना। लेकिन जो बैंकिंग कंपनी है, या जो बोरो इन्वेस्ट एंड गारंटी बैंकिंग कंपनी से, ये जो बोरो इन्वेस्ट लोन एंड गारंटी किसके लिए? अदर, तो जो बैंक है, बैंक बैंकिंग कंपनी है, बैंक या बैंकिंग कंपनी के लिए, बैंकिंग कंपनी लोन लेती है, इन्वेस्टमेंट करती है, बोरो करती है, गारंटी करती है, ठीक है। इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जो भी उसका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो इन सब कामों के लिए उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जरूरत नहीं है। उसके अलावा ये भी नहीं है जो बैंकिंग कंपनी SBI से, RBI से या अदर बैंक से डील करती है, ये तो अपने कस्टमर से डील कर रही है। उसके अलावा यदि SBI से, RBI से, अदर से भी लोन वगैरह लेती है, ठीक है, तो ये जो है कोई भी इसको बोर्ड में जाने की जरूरत नहीं है। और जनरल मीटिंग भी बैंक की इन पावर पे रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती, बैंक की पावर पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकती। ओके, अब आ जाइए नेक्स्ट। ये तो बोर्ड केवल बोर्ड मीटिंग से के थ्रू ही कर सकता। अब कुछ और रेस्ट्रिक्शंस हैं जो है सेक्शन 180 के अंदर। 180 के अंदर वाली रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं, ये भी हम आपको बता देते हैं। रेस्ट्रिक्शंस अंदर 180,
सेक्शन 180 क्या रेस्ट्रिक्शंस लगाता है? हाँ जी बताइए। सेक्शन 180 कहते हैं इन फॉलोइंग केसेस पावर टू बी एक्सरसाइज्ड कैसे? बाय इन जनरल मीटिंग बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। कुछ पावर है जिसको हमने निमोनिक्स दिया ब्रिक्स, ये जो पावर है ये केवल जनरल ऑडी मीटिंग में एक्सरसाइज की जा सकती है और वो भी वाई स्पेशल रेजोल्यूशन। बोरो इन एक्सेस ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व, रियल मीन्स फ्री रियल, रिन्यू लोन्स एंड डिपॉजिट टू द डायरेक्टर, इन्वेस्ट contribution to charitable organization। अब थोड़ा चेंज कर दिया गया है charitable organization, पहले था political organization, अब political organization को तो अपने फायदे के लिए political organization तो क्या कर सकता है, board of directors की meeting 7.5% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस थ्री फाइनेंशियल ईयर। यहाँ इन्वेस्ट यदि यहाँ कंट्रीब्यूशन टू द चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन यदि 5% से ज्यादा वो करता है ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट थ्री फाइनेंशियल ईयर। तो जो चैरिटेबल फंड को 5% से ज्यादा एवरेज नेट प्रॉफिट के 5% से ज्यादा यदि कंट्रीब्यूट करता है तो किसके अंदर आ जाएगा, तो उसको जनरल मीटिंग के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। जबकि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन के लिए ये कंडीशन जो पहले थी वो हटा दी गई है, यानी पॉलिटिकल को फायदा है, पॉलिटिकल को बिना जनरल मीटिंग के बिना शेयर होल्डर्स की परमिशन के पैसा मिल सकता है। ओके, अब ये जो स्पेशल रिजोल्यूशन होगा और नेक्स्ट इज सबसे इंपॉर्टेंट सेल डिस्पोजल ऑफ, इसको मैं दोबारा लिखता हूं, यहां जगह कम है, सबसे लास्ट का जो एस है जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज डिस्पोजल ऑफ होल और सब्सटेंशियली होल होल ऑफ अंडरटेकिंग और इफ कंपनी इज हैविंग सेवरल अंडरटेकिंग देन होल ऑफ वन ऑफ अंडरटेकिंग और सब्सटेंशियली
होल ऑफ सच अंडरटेकिंग, यदि वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की किसी अंडरटेकिंग को बेच रहा है, या कंपनी एक से ज्यादा उसकी कई फैक्ट्री हैं, तो एक फैक्ट्री को पूरा बेच रहा है, एक अंडरटेकिंग को पूरा बेच रहा है, तो इस केस में स्पेशल रिजोल्यूशन होगा, ठीक है, और इस स्पेशल रिजोल्यूशन में स्पेसिफाई होगा कितनी अमाउंट के लिए, साथ में ये जो बेचने के बाद में यहां कंडीशन लगा सकता है, कंडीशन कि ये जो फैक्ट्री है केवल इसी काम के लिए यूज होगी और इन्हीं के द्वारा यूज होगी, साथ ही साथ जो हमारे को कंसीडरेशन मिला है इस स्पेशल रिजोल्यूशन में, ये कंसीडरेशन पे भी लिमिट लग सकती है कि ये केवल पैसा पर्टिकुलर पर्टिकुलर या स्पेसिफिक पर्पज के लिए खर्च होगा। मान लो एक फैक्ट्री बेचने के बाद में स्पेशल रेजोल्यूशन में रेस्ट्रिक्शन लग सकती है कि ये जो पैसा आएगा ये पैसा टोटल केवल इसी काम के लिए, ओके। ये जो डिस्पोजल है, ये डिस्पोजल हो सकता है बाय सेल, बाय लीज और बाय डिस्पोजल इन एनी अदर वे, डिस्पोजल इन एनी अदर वे, तो इवन यानी उसको स्क्रैप भी करते हैं, डिसमेंटल करते हैं, या किसी भी वे में करते हैं, इन तीनों ही केसेस के अंदर हमारे को स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिएगा, ओके। अब जो है नेक्स्ट चीज रेस्ट्रिक्शन में जो बोरो वाली है, पहले बोरो के अंदर क्या होता था, अब बोरो में भी स्पेसिफाई करनी होती है, स्पेसिफाई क्या करनी होती है, अमाउंट कि जो बोरो की पावर जनरल मीटिंग दे रही है अप टू व्हाट अमाउंट, आप स्पेसिफाई करेंगे, ये ब्लैंकेट परमिशन नहीं मिल जाएगी कि हाँ जी कि कंपनी हियर बाय परमिशन हैज बीन रिजॉल्व दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बोरो फ्रॉम एनी शेड्यूल्ड बैंक और एनी पर्सन और इतनी, ठीक है। अब वो जो बोरो के अंदर स्पेसिफिक के 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, कितने पैसे हम या 1000 करोड़ जो भी स्पेसिफाई करें। अब एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेस्ट्रिक्शन का, वो दोनों के लिए, देने वाले के लिए भी और लेने वाले के लिए, ये पर्टिकुलरली बैंक के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर लिमिट को, जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। बोरो की जो लिमिट बनाई गई है या जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं बोरोइंग पावर पे, इसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, तो इसको हम आपको बताते हैं कि ये है क्या और क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस इसके अंदर लगाई, ओके। आ जाइए नेक्स्ट 185 सबसेक्शन 5, इसके अंदर क्या है कि यदि जो लेंडर है, लेंडर मीन्स लोन देने वाला, हु गिव्स लोन, बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एनबीएफसी है और अदर्स, और ये कंपनी है, यदि ये इन एक्सेस ऑफ लिमिट देते हैं, जो लिमिट बनी टी की है, और यदि ये प्रूव कर देती, प्रूव हो जाता है कि लैंडर कि ये नॉलेज में था कि ये नॉलेज में क्या था कि एक्सेस ऑफ लिमिट है,
तो बैंक का राइट खत्म हो जाता है, बैंक कैन नॉट रिकवर दैट अमाउंट। क्योंकि ये 180 नो डेट इनकर्ड बाय द कंपनी इन एक्सेस ऑफ लिमिट इज वैलिड अनलेस, जब तक कि लेंडर अनलेस लेंडर प्रूव दैट, जब तक कि लेंडर ये प्रूव नहीं कर देता, क्या प्रूव नहीं कर देता कि ये गुड फेथ में किया गया, और सेकंड विदाउट नॉलेज किया गया, गुड फेथ में और विदाउट नॉलेज, ये जब तक प्रूव नहीं कर देता तब तक ये डेट रिकवर नहीं कर सकता, वो वैलिड ही नहीं होगा। ओके अब नेक्स्ट आ जाइए, 181 सेक्शन 181 सेक्शन 181 क्या कहता है, सेक्शन 181 कंट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन टू द, ये जो चैरिटेबल फंड है यदि बोना फाइडे प्रूव हो जाता है कि वास्तव में जेनुअन है और जनरल मीटिंग ने इसको पास किया, ये जनरल मीटिंग में पास हुआ है, तब ये कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं, अप टू 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, ये अप टू 5%। ठीक है, उससे ऊपर है तो वही स्पेशल रेजोल्यूशन वगैरह आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज सेक्शन 182 कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसके लिए ये जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कर सकते हैं 7.5% बैंकर्स। इसमें क्या होगा, यदि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को किया या उसके कोई एडवर्टीजमेंट किया पॉलिटिकल सेमिनार में या किसी पब्लिक कॉज या पब्लिक मूवमेंट में जो ये जिसका अल्टीमेट बेनिफिट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को मिलना है, तो ये जो है ये कंट्रीब्यूशन टू द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन माना जाएगा और ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस में अलग से डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, डिस्क्लोज या सेपरेटली, ये जो कंट्रीब्यूशन है ये सेपरेटली डिस्क्लोज होगा प्रॉफिट एंड
लॉस के अंदर। ओके, अगर इन सारे प्रोविजंस को 180 से लेके 182 तक के इन प्रोविजंस का कोई भी वायलेशन करता है डायरेक्टर, ठीक है, तो पेनल्टी कितनी है? पेनल्टी इज 5 times ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व, 5 गुने तक की पेनल्टी है। हाँ जी, पेनल्टी कितनी है? 5 times ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व। हाँ जी सुनिए, 182 क्या कहता है? कि यदि कोई वायलेशन में दिया गया पेमेंट, वायलेशन में कोई पॉलिटिकल पार्टी एक्सेट्रा को पेमेंट दिया गया, तो जितना दिया गया उसके 5 times तक की तो जुर्माना लगेगा कंपनी पर, और जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है, जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है, जो भी ऑफिसर है उसको 6 months की जेल, 6 months की जेल और प्लस 5 times पेनल्टी। तो बहुत ही सीवियर फाइन है यदि कोई वायलेशन करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज 183, सेक्शन 183। नेशनल डिफेंस फंड, नेशनल डिफेंस फंड और एनी अदर फंड टू सपोर्ट डिफेंस, जो भी नोटिफाई टू एनी अदर फंड नोटिफाइड टू सपोर्ट डिफेंस, इसको विदाउट लिमिट, विदाउट लिमिट, किसी भी लिमिट से बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या जनरल मीटिंग किसी भी अमाउंट तक, कितनी भी अमाउंट दे सकती है। ओके, इस पे कोई भी ना 180 एप्लीकेबल होगा, ना 182 एप्लीकेबल होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ना हो तब भी कोई बात नहीं है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में भी ना हो तब भी कोई बात नहीं है। हालांकि इसको भी डिस्क्लोज पीएनएल में करना होगा, पीएनएल में डिस्क्लोज करना होगा, लेकिन नेशनल डिफेंस फंड में बिना 180, बिना 182 के प्रोविजन, बिना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के आप कितनी भी अमाउंट दे सकते हैं। हाँ जी, तो ये आपका नेशनल डिफेंस फंड के अंदर अब आता है
सेक्शन 184 सेक्शन 184 क्या कहता है? डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर। जिस दिन से ये न्यू कंपनी एक्ट आया 2003 एंड कंपनी रूल्स आए 2014, उसके बाद से जो भी डायरेक्टर्स है उसको एक फॉर्म MBF1 फाइल करना होगा, जिसमें कि वो किस किस फॉर्म में है, कहाँ का उसका क्या इंटरेस्ट है, अपने जितना भी इंटरेस्ट है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट या जो डायरेक्टर जहां भी इंटरेस्टेड है, वो फाइनेंशियल ईयर के 30 दिन के अंदर यानी 30 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर अपना फाइनेंशियल इंटरेस्ट डिस्क्लोज करेगा। उसके अलावा यदि कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट उसका ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग द पीरियड मींस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अराइज होता है आफ्टर 30 अप्रैल, ठीक है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो 30 दिन के अंदर वो फाइनेंशियल इंटरेस्ट को MBF फॉर्म वन भर के ROC को इन्फॉर्म करेगा। ये किसको इन्फॉर्म करेगा? ROC को। ये करेगा कंपनी को, ये कंपनी को करेगा और कंपनी फिर करेगी किसको? ROC को। उसको डिस्क्लोजर ऑफ द इंटरेस्ट करना होगा, ठीक है। तो जब तक वो विदाउट डिस्क्लोजर यदि कोई भी एक्शन उसके द्वारा लिए जाते हैं तो डेट विल बी वॉइडेबल फॉर द कंपनी। कंपनी उसको मान भी सकती है और कंपनी उसको रिजेक्ट भी कर सकती है। ओके, ₹185 और ₹186 हमने आपको ऑलरेडी लेक्चर में करा दिया है। वो लेक्चर आप इसके बाद में आप देखेंगे, वो लेक्चर हमने ऑलरेडी पहले ले लिया था 185 186। अब हम आते हैं किस पर? सेक्शन 187 185 186 आपको करा चुके हैं, इसलिए हम उसको दोबारा नहीं करा रहे। अब हम आते हैं सेक्शन स्ट्रेट अवे, सेक्शन 187। सेक्शन 187 क्या कहता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी टू बी हेल्ड इन ओन नेम, अपने खुद के नाम में इन्वेस्टमेंट होल्ड करना पड़ेगा। जो भी इन्वेस्टमेंट है इट इज टू बी होल्ड इन ओन नेम, अपने खुद के नाम में उस इन्वेस्टमेंट को होल्ड करना पड़ेगा, चाहे वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का हो, चाहे वो सिक्योरिटी का हो, चाहे वो अदर असेट्स का हो। ये क्या करना पड़ेगा? अदर नाम में। केवल इसके एक्सेप्शंस क्या क्या है? एक्सेप्शंस
मान लो हमने अपनी सब्सिडरी के में इन्वेस्ट किया हुआ, सब्सिडरी के शेयर लिए हुए, और सब्सिडरी के मिनिमम शेयर होल्डर्स की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, मिनिमम शेयर होल्डर्स की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, रिक्वायरमेंट के लिए है ना, फॉर मिनिमम शेयर होल्डर्स रिक्वायरमेंट, शेयर होल्डर्स के नंबर काम है, पब्लिक कंपनी है, सब्सिडरी साथ होने चाहिए, कम से कम शेयर होल्डर उसके कमी काम है, तो इसकी वजह से हम नॉमिनी के नाम में, फॉर दिस पर्पज अपने नॉमिनी के नाम में शेयर्स ले सकते हैं। किसके नाम में ले सकते हैं? नॉमिनी के नाम में शेयर्स ले सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, मान लो हमने ट्रांसफर के लिए स्टेट बैंक को दिए, स्टेट बैंक को ट्रांसफर के लिए कुछ शेयर दिए और स्टेट बैंक के नाम में वो रखे हुए हैं, तो 6 महीने तक यदि वो ट्रांसफर हो जाते हैं ठीक है, नहीं तो 6 महीने तक स्टेट बैंक या कोई और शेड्यूल बैंक के नाम में रख सकते हैं, और 6 महीने के बाद में हम वापस, हमें क्या करना है, रिटर्न बैक इन आवर नेम। नेक्स्ट, आजकल क्या है, डिपॉजिटरी आ गया है। डिपॉजिटरी एक्ट के अंदर डीमैट शेयर होते हैं, डीमैट शेयर में केवल हम बेनिफिशियर ओनर होते हैं और बाकी शेयर्स किसके नाम होते हैं, जो इशूअर होता है, मान लो रिलायंस कंपनी के शेयर है, शेयर डीमैट क्या करता है, डिपॉजिटरी उसी के नाम में रखे रहेंगे, किसके नाम, रिलायंस के नाम, और आपके नाम के आगे आपको कह देंगे बेनिफिशियरी ओनर, तो ये जो बेनिफिशियरी ओनर के नाम में लिखा हुआ है दैट मीन्स आपके नाम में है, तो दैट इज ऑल्सो परमिटेड, ठीक है। उसके अलावा यदि हम प्लेज करते हैं या एज ए सिक्योरिटी फॉर लोन किसी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं और उसके लिए हम प्लेज करते हैं, सिक्योरिटी रखते हैं और उसकी रिक्वायरमेंट है कि शेयर्स अपने नाम में करा के रखता है या सिक्योरिटी अपने नाम में करा के रखता है, तो डेट इज आल्सो परमिटेड, डेट इज आल्सो परमिटेड। अब हम करेंगे क्या, ये जो सिक्योरिटी हमने दूसरे के नाम में रखी है इसका एक रजिस्टर बनाना पड़ेगा, इसका एक रजिस्टर बनाना पड़ेगा, रजिस्टर ऑफ सिक्योरिटीज एंड अदर असेट्स हेल्ड इन अदर नेम, इन अदर देन ओन नेम, या आप लिख दो अदर देन ओन नेम, ये जो इसका रजिस्टर बनाना पड़ेगा, और दैट रजिस्टर इज ओपन फॉर इंस्पेक्शन, ओपन फॉर इंस्पेक्शन किसके द्वारा, बाय मेंबर्स, और मेंबर्स चाहे तो मेंबर्स इसकी कॉपी ले सकता है, एक्सट्रैक्ट ले सकता है, और अगर उसको नहीं दी तो वो आरओसी को कह सकता है, आरओसी उसको दिलवाएगा। इन सब प्रोविजंस में सिक्योरिटी अपने नाम में नहीं रखी, या ये कोई भी 187 का फाइल हमने नॉन कंप्लायंस किया, तो कंपनी को तो पेनल्टी है 25,000 to 25 lakhs, 25,000 से लेके 25, और जो ऑफिसर है उसको 6 महीने और 25,000 प्लस 25,000 से लेके 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी है, तो
बड़ी सीवियर पेनल्टी है प्लस पनिशमेंट है, तो इसलिए रजिस्टर भी किया भी रखना है और सिक्योरिटीज भी अपने नाम में रखनी जरूरी है। ओके, तो ये हुआ आपका सेक्शन 187। अब हम समझेंगे थोड़ा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के बारे में। बहुत कुछ आया है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के बारे में इस नए एक्ट में। यदि कहा जाए तो ये नया एक्ट आरपीटी के लिए है, बाद में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में इतनी ज्यादा डिफिकल्टी आई कि डिफिकल्टी रिमूवल भी करना पड़ा। जो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है कि दे कैन नोटिफाई बाय इन द ऑफिशियल गजट एनी रूल फॉर रिमूविंग द डिफिकल्टीज इन क्रिएटिंग डिफिकल्टीज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस कंपनीज एक्ट 2013। तो रिलेटेड पार्टी के अंदर, इवन प्राइवेट पार्टीज के अंदर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी, उसमें से कुछ रिलीव की गई है, लेकिन फिर भी रिलेटेड पार्टी और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस के लिए ये जो नया एक्ट है दैट इज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। ये क्या है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है इन सब कामों के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम बताते हैं रिलेटेड पार्टी है क्या। तो रिलेटेड पार्टी की सबसे पहले सेक्शन बताने से पहले हम रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन, हालांकि आपको पहले बता चुके हैं डेफिनेशन में, लेकिन हम रिलेटेड पार्टी के बारे में दोबारा आपको बता देते हैं कि रिलेटेड पार्टी होती क्या है। रिलेटेड पार्टी को दो पार्ट में बनाएंगे, एक तो कंपनी के लिए कौन रिलेटेड पार्टी है, कंपनी के लिए क्या रिलेटेड पार्टी है, और डायरेक्टर मैनेजर और रिलेटिव के लिए कौन रिलेटिव पार्टी है। डायरेक्टर मैनेजर एंड रिलेटिव के लिए तो कंपनी के लिए डायरेक्टर, डायरेक्टर का रिलेटिव पार्टनर, डायरेक्टर रिलेटिव पार्टनर केएमपी की मैनेजमेंट पर्सनल, की मैनेजमेंट पर्सनल का रिलेटिव होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी एसोसिएट्स कंपनी एंड फेलो सब्सिडरी, फेलो सब्सिडरी ओके। डायरेक्टर्स मैनेजर रिलेटिव कब रिलेटेड पार्टी होगा, हाँ जी किस किस का रिलेटिव होगा, ये रिलेटिव होगा उस पार्टनरशिप फर्म का, उस पार्टनरशिप फर्म का जिसमें इन विच ही इज ए पार्टनर, जिसमें ये पार्टनर है उसका रिलेटिव होगा। पार्टनरशिप फर्म इन विच इज ए पार्टनर, प्राइवेट कंपनी इन विच ही इज ए मेंबर और डायरेक्टर, नेक्स्ट इज पब्लिक कंपनी
पब्लिक कंपनी है वो डायरेक्टर है या मेंबर है 2% वाला, मतलब उसमें तो केवल एक मेंबर है, इसमें उस पर 2% होल्डिंग है, तब बॉडी कॉर्पोरेट कौन कौन सी बॉडी कॉर्पोरेट में, या तो उस बॉडी कॉर्पोरेट का वो डायरेक्टर है, एडवाइजर है, या वो बॉडी कॉर्पोरेट एक्ट अकॉर्डिंग टू ही इंस्ट्रक्शन, यदि कोई इंस्ट्रक्शंस आपके इंस्ट्रक्शंस पे बॉडी चल रही है तब भी वो रिलेटेड पार्टी हो जाएगी। और बाकी जो पर्सन जो उसकी एडवाइस पर डायरेक्शन पर और इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रहे हैं, ये सब रिलेटिव पार्टी है, दीज ऑल आर रिलेटिव पार्टी। अब जितनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस है, ऑल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस आर टू बी बाई स्पेशल रिजोल्यूशन जो स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा उसमें जो रिलेटेड पार्टी है वो ना तो मीटिंग भी अटेंड नहीं करेगी, पार्टिसिपेट नहीं करेगी, नो पार्टिसिपेट एंड नो वोटिंग, ठीक है, इवन ना पार्टिसिपेट करेगी ना उस पर वोटिंग करेगी। अब रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस क्या होंगे ये दिए हुए सेक्शन 188 के अंदर, तो अब हम समझते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस। हाँ जी, रिलेटेड प्रायोरिटी ट्रांजेक्शंस क्या होंगे, सबसे पहला सेल परचेज एंड सप्लाई, सेल परचेज एंड सप्लाई ऑफ गुड्स मटेरियल, नेक्स्ट इज सेल डिस्पोजल और बाइंग ऑफ प्रॉपर्टी, नेक्स्ट इज लीजिंग, लीजिंग चाहे एज ए लेजर और लेजी कोई भी काम करोगे, लीजिंग नेक्स्ट इज अवेलिंग और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, अवेलिंग एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज यानी गुड सप्लाई करते हो, प्रॉपर्टी सेल परचेज करते हो, लीजिंग करते हो, कोई सर्विसेज देते हो, या एजेंट फॉर नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, यानी एजेंट नंबर वन के लिए,
नंबर टू के लिए, नंबर थ्री के लिए या नंबर फोर के लिए, इन सब कामों के लिए अगर एजेंट के उसके अलावा अंडरराइटिंग ऑफ द सेल्स, अंडरराइटिंग ऑफ सेल्स और ये कंपनी के लिए सब्सिडरी के लिए होल्डिंग के लिए और एसोसिएट्स के लिए सभी कंपनीज के लिए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस जरूरी होंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया इनके लिए आपको प्रायर अप्रूवल लेनी होगी प्लस स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए एंड नो वोटिंग बाय रिलेटेड पार्टी। ओके, तो ये हमने आपको बताया सेक्शन 180 से लेके सेक्शन 179 से लेके सेक्शन 188 तक का, जिसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर ऑफ द बोर्ड, रेस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर ऑफ बोर्ड, लोन्स रिलेटेड पार्टी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वी एक्सपेक्ट कि इसमें से 4 से लेके 8 मार्क्स तक का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, जैसा कि आपको बताया न्यू कंपनी एक्ट 2013 1 अप्रैल 2014 से एप्लीकेबल हो चुका है और जो सबसे ज्यादा इसके अंदर इम्पोर्टेंट इश्यू है वो है कि स्ट्रिक्टर नॉर्म्स आए हैं लोन्स एंड एडवांसेज के, लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट। पहले जो है लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स प्लस इन्वेस्टमेंट की जो है पावर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को थी और लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या होता था, कंपनी का पैसा डायरेक्टर्स मल्टी लेयर सब्सिडरीज के थ्रू साइपन ऑफ कर दिया करते थे, यानी वो अल्टीमेटली पैसा डायरेक्टर्स को लोन दे दिया जाता था या की मैनेजमेंट पर्सनल को लोन दे दिया जाता था। ठीक है, तो इस बैकग्राउंड में ये जो न्यू कंपनी एक्ट 2013 है ये काफी स्ट्रिक्टर नॉर्म्स लाया है। तो ये है क्या, ये हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट। तो लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट में क्या है, लोन्स
गिविन हो सकते हैं और लोन्स टेकन हो सकते हैं। जो लोन्स गिविन है दैट इज असेट्स एंड लोन्स टेकन दैट आर लाइबिलिटीज। तो ये दोनों तरह के असेट्स एंड लाइबिलिटी यानी लोन्स गिविन और टेकन इसके अंदर कवर्ड है। ठीक है, अभी तक क्या होता था ये जो लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट विदाउट इकोनॉमिक फ्रूट्स बिना कोई बेनिफिट के लिए कि ये लोग ये कई बार क्या होते थे ट्रांसफर कर दिए जाते थे सब्सिडरीज को, और ये जो सब्सिडरीज को ट्रांसफर किए जाते थे वो मल्टी लेयर सब्सिडरी एक के बाद एक सब्सिडरी होती थी। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर द ऑडिटर्स एंड रेगुलेटर्स टू ट्रैक एंड यूज ट्रैक करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता था। ए से बी को बी सब्सिडरी, बी की सब्सिडरी सी, सी की सब्सिडरी डी, डी की सब्सिडरी ई। ओके, और पुराने कंपनी लॉ के अंदर ये पावर थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सारा लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट की, जो आप पढ़ते थे सेक्शन 295, 297, 372। अब ये जो पावर है ये सेक्शन 185 एंड 186 सेक्शंस आ गए हैं, और ये पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ना होके अब पावर हो गई है शेयर होल्डर्स की। तो हमको एजीएम या ईजीएम के अंदर अप्रूवल लेनी है, और अप्रूवल लेने के बाद ही इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ठीक है, अब ये दो सेक्शन है 185 और 186। ठीक है, ये जो 185 है डेट इज लोन्स एंड एडवांसेस टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड लोन्स ऑफ एंड होल टाइम डायरेक्टर्स, 186 है अदर्स के अंदर पहले रेस्ट्रिक्शन थी ओनली इंटर कॉर्पोरेट, अब इसमें अदर्स में दोनों इंक्लूड होते हैं इंटर कॉर्पोरेट भी और नॉन कॉर्पोरेट। तो दोनों पहले क्या था, जो पुराना सेक्शन था पुराने एक्ट के अंदर उसके अंदर ओनली इंटर कॉर्पोरेट लोन्स के लिए रेस्ट्रिक्शंस थी, उनके लिए परमिशन लेनी होती थी। अब किसी भी तरह का लोन है इंटर कॉर्पोरेट है या अदर, यदि एमडी और होल टाइम डायरेक्टर्स को है तो 185 सेक्शन एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज 186। तो ये लॉ आए क्यों? ठीक है, और इनका समरी है क्या? तो मैं बेसिकली इन प्रोविजंस को पहले आपको एक कॉन्सेप्ट वाइज समरी बता देता हूँ, फिर हम डिस्कस करेंगे इन सेक्शंस को। सबसे पहले ये जो सेक्शंस हैं ये ग्लोबल प्रैक्टिसेज हैं, तो जो ग्लोबल ट्रेंड्स के हिसाब से जो ग्लोबली जिस तरह के लॉज हैं वो इंडिया में एप्लीकेबल हैं। ये जो लॉज हैं ये कोई नॉट रेस्ट्रिक्टिंग, ये प्रोविजंस जो हैं ये रेस्ट्रिक्ट नहीं करते, बट जो पावर बीओडी को थी वहां से ट्रांसफर करके ये पावर देते हैं शेयर होल्डर्स को, जो शेयर होल्डर्स ईजीएम या एजीएम के अंदर एक्सरसाइज कर सकते। ये रेस्ट्रिक्ट नहीं करते, बट ये जो पावर है शेयर होल्डर्स की पावर बढ़ाते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर रेस्ट्रिक्ट करते हैं या कर्टेल करते हैं। जो पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की थी वो ट्रांसफर हो जाती है शेयर होल्डर्स को, किस लिए? ये सारे एफर्ट्स लिए गए टू करप फाइनेंशियल
इरेगुलेट कर्म, फाइनेंशियल इरेगुलरिटी जो हुआ करती थी फाइनेंशियल इरेगुलरिटी को कर्व करने के लिए ये सारे प्रोविजंस लिए गए। ओके, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर उनकी रेस्ट्रिक्ट की गई है और रेस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज की गई है, शेयरहोल्डर्स की पावर इंक्रीज की गई है और इनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज की गई है। ठीक है, नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो ये है कि ये जो प्रोविजंस हैं ये दोनों पे एप्लीकेबल होते हैं, दैट इज प्रोविजंस आर एप्लीकेबल, प्रोविजंस हैं लोन पर भी और इन्वेस्टमेंट, ये लोन एंड इन्वेस्टमेंट दोनों ही केस में ये प्रोविजंस एप्लीकेबल किस किस में होते हैं, लोन्स में भी और इन्वेस्टमेंट में। साथ ही साथ ये प्रोविजंस रिक्वायर करते हैं मोर डिस्क्लोजर, पहले से ज्यादा अपने को डिस्क्लोजर करना होता है लोन्स एंड एडवांसेस का। ठीक है, और ये क्योंकि मल्टी लेयर सब्सिडरी के थ्रू इरेगुलरिटी होती थी तो ये रेस्ट्रिक्ट करता है, रेस्ट्रिक्शन ऑन मोर देन टू लेयर ऑफ सब्सिडरी। दो लेयर से ज्यादा की सब्सिडरी पे ये रेस्ट्रिक्शंस लगाता है। ओके, जिससे गवर्नमेंट में ट्रैक द एंड यूज, गवर्नमेंट का ऑडिटर रेगुलरिटी वो एंड यूज ऑफ द फंड कहाँ हो रहा है, कंपनी के पर्पज से हो रहा है या डायरेक्टर्स के पर्सनल इंटरेस्ट के लिए हो रहा है, ये ट्रैक ये सब रेस्ट्रिक्शंस ये ट्रैकिंग आसानी हो जाती है। हालांकि ये जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई है टू लेयर्स की इसके कुछ एक्सेप्शंस है कि कुछ केसेस में मोर देन टू लेयर्स ऑफ द सब्सिडरी हो सकती है, तो अब हमें समझना है कि कुछ चीजें ऐसी होंगी कि हमें विदेश व्यापार बढ़ाना है, कंपनी आउटसाइड इंडिया एक्वायर करनी है, ऐसे कुछ यूजफुल चीजें हैं जो देश के व्यापार को बढ़ाने के लिए जरूरी हैं, तो उन केसेस के लिए टू लेयर ऑफ सब्सिडरी परमिट की गई है। ओके, फॉर एक्वायरिंग कंपनीज आउटसाइड इंडिया, साथ ही साथ यदि लॉ के कंप्लायंस में लॉ के हिसाब से कोई सब्सिडरी एक्वायर की जाती है, ठीक है, उस केस में या किसी स्पेसिफिक केस में लिमिटिंग नंबर ऑफ सब्सिडरी यदि लॉ में प्रोवाइड किया कि इतनी सब्सिडरी हो सकती है उस केस में, क्या ठीक है, तो जहां जहां जो स्पेसिफिक प्रोविजंस है वहां ये टू लेयर्स की जगह स्पेसिफिक प्रोविजंस लगेंगे एक्वायरिंग बिजनेस के लिए, लॉ की कंप्लायंस के लिए। ये जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई है ये क्यों लगाई गई? हाँ जी, एक
डायरेक्टर्स क्या कर सकते हैं, यानी बीओडी ट्राई टू लिमिट, लिमिटेड लायबिलिटी होती है कंपनी की, ट्राई टू लिमिट देयर लायबिलिटी अगेंस्ट अनसिक्योर्ड कैरेक्टर्स, अनसिक्योर्ड कैरेक्टर्स के अगेंस्ट अपनी लायबिलिटी को लिमिट करने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी, इससे क्या होगा, जो ट्रांसपेरेंसी आएगी इन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, अदरवाइज एक सब्सिडरी से दूसरी सब्सिडरी उसमें कुछ कॉमन डायरेक्टर है कुछ नहीं है, तो कई लेवल के बाद में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। लेकिन इस तरह इन प्रोविजन से ट्रांसपेरेंसी रहेगी, साथ ही साथ कोई भी काम अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर, कोई भी काम अदरवाइज क्या माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का हित प्रभावित होगा, तो इसकी वजह से माइनॉरिटी के शेयर्स, माइनॉरिटी का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट रह सकता है। इसलिए ये जो टू लेयर्स वाले प्रोविजंस लाएगी। ओके, अब हमारे यहाँ पहले कुछ लिमिट थी, वो लिमिट अभी भी बरकरार रखी है लोन्स एंड एडवांसेस की, कि कितने कितने लोन्स एंड एडवांसेस लिए जा सकते हैं। तो रिवाइज लिमिट जो बनाई गई है फॉर इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स, तो ये बनाई गई है 60% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस प्रीमियम, यहां भी और यहां भी सेम लोन्स की केस में, और 100% ऑफ फ्री रिजर्व्स प्लस प्रीमियम, यहां भी सेम, ठीक है। ये लिमिट्स बनाई गई है, लेकिन इसके अलावा लोन के केस में या तो ये लोन्स के केस में और गारंटी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद अदर बॉडी कॉर्पोरेट्स, जितनी गारंटी एंड सिक्योरिटी है वहां तक, और जहां तक हम एक्विजिशन कर रहे हैं बाय शेयर्स, ये चार कंडीशंस के अंदर इनमें से जो भी हायर हो दैट इज द रिवाइज लिमिट फॉर लोन्स एंड एडवांस, ठीक है। तो इसके लिए भी, लेकिन इससे एक्सेस करना है, तो एक्सेस के लिए हमें चाहिएगा स्पेशल रिजोल्यूशन, अदरवाइज इसके लिए भी हमें शेयर होल्डर्स की अप्रूवल तो चाहिए, लेकिन स्पेशल रिजोल्यूशन नहीं चाहिए, एक्सेस के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए प्लस डिस्क्लोजर, स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए प्लस डिस्क्लोजर ऑफ द फैक्ट कि दिस अमाउंट इज इंक्लूडेड। ओके, हाँ जी, बात समझ में आती है कि यदि यहां तक है तब भी हमको
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं कर सकता, करना पड़ेगा रेजोल्यूशन पास करके एजीएम और ईजीएम के थ्रू, लेकिन अदरवाइज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम चलेगा। यदि एक्सेस होगा तो हमको चाहिए स्पेशल रेजोल्यूशन। ओके, जैसा कि हमने आपको बताया सेक्शन 185 ये किस किस पे एप्लीकेबल है, डायरेक्टर पर और की मैनेजमेंट पर्सनल को लोन के लिए, ठीक है। अब इन सब के लिए कोई गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए क्या? नहीं, नो गवर्नमेंट अप्रूवल। अब इसके अंदर लोन्स क्या क्या इंक्लूड होंगे ये हमें समझना है, लोन्स में क्या क्या इंक्लूड होगा। इसके अंदर होगा एनी एडवांस सिक्योरिटी गारंटी, किसी भी नेचर का लोन हो, एडवांस हो, ओके। बुक रेट हो, किसी भी तरह का अमाउंट हो, डायरेक्टर की डायरेक्टर्स को हो, की मैनेजमेंट पर्सनल को हो, या इनके रिलेटिव्स को हो, ये सब हमारे सेक्शन 185 के अंदर कवर हो जाएंगे, ठीक है। लोन्स तो हो गई होगा, लोन्स एडवांस सिक्योरिटी गारंटी बुक दैट डायरेक्टर्स की मैनेजमेंट पर्सनल या उनके रिलेटिव्स को कोई भी पेमेंट हो, ओके। लेकिन इसमें हाँ जी समझ में आ गया, लेकिन अगर ये जो डायरेक्टर्स हैं या की मैनेजमेंट पर्सनल हैं, ये डायरेक्टर्स ऑफ की में जो डायरेक्टर्स हैं या की मैनेजमेंट पर्सनल हैं और ये एम्प्लॉई हैं और कोई लोन से या एडवांसेस दिया जाता है उनके सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, जब नौकरी दी थी अपॉइंटमेंट लेटर में, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मींस अपॉइंटमेंट लेटर, या कोई स्कीम टू ऑल एम्प्लॉइज और ये जो स्कीम है दैट इज आल्सो पास्ड बाय शेयर होल्डर्स, तब दिया जा सकता है। या फिर लोन्स गारंटी एटसेट्रा फॉर रीपेमेंट ऑफ अर्लियर लोन और आरबीआई वाला जो इंटरेस्ट रेट है उस रेट पर, ठीक है, दिया जाता है। तो क्या होगा इन दैट केस, ठीक है, क्लियर। अब ये यदि हमने ज्यादा दे दिया, ये हम जो कह रहे हैं यदि हमने लोन्स
दे दिया, दिया या लिया। तो जो आरबीआई के इंटरेस्ट रेट से जो डिफरेंशियल होगा वो कंपनी लॉ के पर्पज से, इनकम टैक्स के पर्पज से, टीडीएस के पर्पज से, तीनों ही केसेस के अंदर ये क्या किया जाएगा, पर्क्स माना जाएगा। ये क्या माना जाएगा, परक्यूजिट्स माना जाएगा। और इसको हम चाहे मैनेजर रेमुनरेशन की कैलकुलेशन करें या टैक्स की कैलकुलेशन करें या टीडीएस की कैलकुलेशन करें, इस एक्सेस इंटरेस्ट रेट को क्या किया जाएगा, इसको परक्यूजिट्स यानी मैनेजरियल रिमुनरेशन में ऐड किया जाएगा। ये हमको समझना है, ओके। इसके अलावा यदि हम कोई भी की मैनेजमेंट पर्सनल और डायरेक्टर्स को कुछ भी पेमेंट देते हैं तो सबसे पहले बीओडी में पास करना होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन होना होगा। और यदि उनकी टर्म्स वैरी हो रही है, जो टर्म्स थी अपॉइंटमेंट टर्म्स वो वैरी हो रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल हमारे को लेनी पड़ेगी। तो ये हमारा कंपनी जब 2013 रेस्ट्रिक्शंस लगाता है कि अब हमें जो कुछ करना है वो हमको शेयर होल्डर से पूछ के करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं कर सकती है, ठीक है। तो समझना क्या है कि ये कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, रेस्ट्रिक्शंस केवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर पर है, लेकिन शेयर होल्डर्स की पावर पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, ओके। तो काफी कंफ्यूजन है इस समय सीए स्टूडेंट्स में, नहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में, कि ये 185 क्या है। 185 के अंदर केवल रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई है, हालांकि रेस्ट्रिक्शंस है ऑन द पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बट नॉट कंपनी एज ए होल, क्योंकि वो पावर शिफ्ट कर दी गई है किसके ऊपर, शेयर होल्डर्स के ऊपर, ठीक है। तो ये आपने समझा सेक्शन 185 एंड 186, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग मे कम इन द एग्जामिनेशन इस 185 एंड 186 पे, कुछ ना कुछ आपके नेक्स्ट एग्जाम में आएगा ही आएगा, क्योंकि ये केवल बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन केवल कुछ समय पहले ही नए कंपनी एक्ट के अंदर आया था, इसलिए ये काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है फॉर टेकिंग डिसीजंस फॉर द ऑडिट ऑफ द कंपनीज, फॉर द ऑडिट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेज। तो इसलिए ये ना केवल कॉर्पोरेट लॉज के अंदर पर ऑडिट पेपर में भी ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में, केस स्टडी के रूप में आ सकता है। तो इसको बड़े ध्यान से अपने दिलो दिमाग जहन में ये बैठा लेना है कि अब जो है लोन्स एंड एडवांसेस में, लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट में, लोन्स गिविंग और लोन्स टेकन बोथ कवर होते हैं। सेक्शन 185 है डायरेक्टर्स और होल टाइम डायरेक्टर्स के लिए, और 186 है अदर्स के लिए। कोई भी लोन्स एंड एडवांसेस देते हैं वो आपको शेयर होल्डर से परमिशन लेनी होगी, इसके लिए एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग बुलाइए या आप एजीएम बुलाइए, ओके। और बुलाने के बाद में यदि वो 60% ऑफ द पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस प्रीमियम से ज्यादा है तो आपको क्या करना होगा, तो आपको करना होगा स्पेशल रेजोल्यूशन पास। यदि उस लिमिट के अंदर है तो आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम कर सकते हैं। आपको मोर स्ट्रिंजेंट डिस्क्लोजर करने हैं, ये सारी चीजें हमने आपको, ठीक है, बताई। साथ ही साथ आपको इसमें बताया देयर इज ए न्यू थिंग दैट इज रेस्ट्रिक्शन ऑन द मोर देन टू लेयर ऑफ द सब्सिडरी, क्योंकि सब्सिडरी के थ्रू इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर द ऑडिटर्स एंड रेगुलेटर टू आइडेंटिफाई कि अल्टीमेट यूज कहां जा रहा है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन
तो नहीं है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो अफेक्ट नहीं हो रहा, इसलिए ये रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है। लेकिन आउटसाइड कोई आप कंपनी एक्वायर करते हो उस केस में, या लॉ की कंप्लायंस में करते हो, या कहीं स्पेशल लिमिट पर्टिकुलर क्लास में यदि कंपनी लॉ ने लगाई है, उनको छोड़कर बाकी सभी कंपनी पर ये लिमिट एप्लीकेबल होगी। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि 185 एंड 186 आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। और कोई क्वेश्चन हो यू कैन आस्क मी एट 9810425103 और यू कैन राइट ऑन माई ईमेल। थैंक यू वेरी मच।